हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइको सूट। और आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं 2022 में। सो फ्रेंड्स, मैं बेसिकली आज आपको लैपटॉप पे बताऊंगा कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फोन के लिए बनाऊँ तो आप प्लीज कमेंट कर दें, ताकि मैं एक फोन के लिए बना दूं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो, और ताकि आपको बहुत आसानी हो। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे तब आया जब मैं YouTube स्टूडियो देख रहा था। तब वहाँ रिसर्च का एक टैब आता है, तो वहाँ बेसिकली लिखा हुआ था कि मेरा मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स ये सर्च कर रहे हैं कि कैसे YouTube चैनल ओपन किया। सो बेसिकली मैं इसी के लिए ये जो टॉपिक है ये बनाने वाला हूँ, ताकि मेरे जितने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मतलब आसानी हो। तो चलिए शुरू करें। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक जीमेल आईडी। सो जीमेल आईडी की आपको पता होगा कि जीमेल आईडी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम लोग यूट्यूब में साइन इन कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक जीमेल आईडी चाहिए। उसके बाद से जो सेकंड होता है, हमें सोच के रखना है कि हमारा जो कंटेंट होगा वो किस टाइप का होगा। आप टेक्निकल वीडियोस बनाने वाले हैं, या आप ब्लॉगिंग करने वाले हैं, या आप रेसिपी बताने वाले हैं, या आप कोई भी कंटेंट कुछ भी पढ़ाने वाले हैं। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि अपना कंटेंट जो है, मतलब जिस टाइप का आपको बनाना है, वो पहले से आपको सोच के रखना है कि आपको किस डोमेन में वीडियो बनाना है। उसके बाद से आता है, जैसे आप अपना कंटेंट सोच लिए, तो जो भी आप कंटेंट सोच लें, तो उसके हिसाब से आप अपना एक यूनिक चैनल नेम खोज लें। सो फ्रेंड्स, यूनिक चैनल नेम खोजना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर जैसे फेमस यूट्यूबर्स हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी हैं, ट्रैकिंग टेक है, टेक बनर, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, अगर मैं सेम नेम यूज करता हूँ तो मेरा वीडियो क्या होगा, रैंक नहीं करेगा। क्योंकि कुछ तो यूनिक होना चाहिए, तब जाके आपका क्या होगा, यूट्यूब एल्गोरिथम में वो जाएगा और फिर यूट्यूब आपके वीडियो को रैंक करेगा और आपके चैनल नेम को, मतलब वो ऊपर सर्च, मतलब सर्च में आपका जो भी चैनल नेम होगा वो उसको शो कराएगा। सो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए यूनिक चैनल नेम। उसके बाद जो होता है, जैसे जब भी अगर आप वीडियो अपलोड करने जाए, तो उसमें बेसिक जो होता है, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, मतलब ऐसे ही, मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे इंप्रेशन हो गया, CTR हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि बेसिक आपको यूट्यूब के पता होना चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आपको स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आपको बेसिकली पता होना चाहिए थंबनेल के बारे में, फिर टाइटल के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में, टैग्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है, टाइटल, टैग, थंबनेल, फिर कैसे रिसर्च करें, कैसे कीवर्ड सर्च करें, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मतलब कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इसके लिए एक नया वीडियो बना दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देख सकते हैं, मैं एक जीमेल अकाउंट से लॉग इन कर चुका हूं, एंड मैं चलता हूं अब यहां पे सिंपल क्लिक कर देता हूं और यूट्यूब पे चलता हूं। तो जैसे ही हम लोग यूट्यूब पे आते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। तो सिंपल हम लोग यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पे आपका एक ऑप्शन देख सकते हैं, यहां पे आ रहा है क्रिएट ए चैनल। सो बेसिकली आपको क्रिएट ए चैनल पे क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पे आपको आ जा रहा है कि मतलब आपका जो चैनल का नाम होगा ये आप क्या दिखाना चाहते। तो मैं बेसिकली दे देता हूँ शुभांशु सिंह ब्लॉग्स, एंड यहाँ पे आपको एक लोगो बना लेना, या लोगो या फोटो आप कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं क्रिएट चैनल पे क्लिक करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक सिंपल तरीका है जिससे कि आपका क्या होगा, यूट्यूब चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सुधांशु सिंह ब्लॉग्स के नाम से एक यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है, लेकिन अगर आप देखें तो इस पे कोई वीडियो नहीं है। आप देखें, वीडियो खाली है, प्लेलिस्ट खाली है, चैनल्स खाली है, अबाउट खाली है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ कि आपको जो चैनल है, मतलब आप अपने चैनल को कैसे कस्टमाइज करें। और यहाँ पे देखिए, अबाउट में स्टेट्स में आ जाता है कि आपका जो चैनल है, आप कब मतलब यूट्यूब ज्वाइन किए थे। सो आज जैसे आप देख सकते हैं 3rd अक्टूबर, तो यहाँ पे भी सेम डेट आ गया है कि 3rd अक्टूबर 2022 को अपना चैनल क्रिएट किया। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक मिलता है कस्टमाइज चैनल का और एक मिलता है मैनेज वीडियोस का। तो हालांकि अभी तो हम लोग एक वीडियो पब्लिश नहीं किए, तो हम लोग मैनेज वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग क्लिक करते हैं कस्टमाइज चैनल। सो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही हम लोग कस्टमाइज चैनल पे क्लिक किए, तो ये हमें रिडायरेक्ट करके studio.youtube.com, मतलब ये यूट्यूब स्टूडियो पे हमें ले आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो का मैसेज आया हुआ, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर लें, एंड यहाँ पे आ गया लेआउट का। तो लेआउट अगर आप चाहें तो ट्रेलर क्रिएट कर सकते हैं, फीचर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप मतलब ये सारा कुछ लेआउट में डाल सकते हैं। अगर ये आप चाहें तो ये बाद में भी आप ये कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप चले जाएं ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग आप देख लें कि आपको एक फोटो अपलोड करना है, जिससे कि आपका मतलब ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। यहाँ पे अगर आप कुछ भी
जैसे बना रहे हैं, जैसे अगर आपका जो भी चैनल का नाम, जैसे यहाँ पे सुधांशु सिंह ब्लॉग्स है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चाहूँ तो अपना फोटो लगा सकता हूँ। आई मीन जो चाहूँ मैं अपना ये मतलब फोटो लगा सकता हूँ। सो बेसिकली मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखता है, क्या करता है। तो इसके लिए मैं अपना ही जो करेंट यूट्यूब चैनल है ये ओपन कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जो भी आप पिक्चर लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि ये मेरा पिक्चर है। और फ्रेंड्स, रहा बात ये बैनर इमेज, तो बैनर इमेज क्या होता है, जो बेसिकली ये जो मेरा पीछे जो है इसको बैनर बोलते हैं, और ये इमेज को बोलते हैं आप बैनर इमेज। यहाँ पे आपको एक मतलब एस्पेक्ट रेशियो रहता है इसका, तो उसी का अगर आप लगाते हैं तो ये अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके से यहाँ पे आपको दिखता है। तो ये होगी आपका बैनर इमेज। और जो थर्ड आप लगाते हैं वीडियो वाटरमार्क, तो वीडियो वाटरमार्क क्या होता है कि ये बेसिकली एक वाटरमार्क रहता है, जब भी आप वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका लोगो हो गया, मतलब जो भी आप यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे वो मतलब एज ए वाटरमार्क आपको शो होगा। तो ये तो है बेसिक ब्रांडिंग का। अब चलते हैं बेसिक इन्फो में। तो बेसिक इन्फो में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल नेम आप कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे हमें अपना डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना रहता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ। और फ्रेंड्स, अगर इसके बाद से मतलब आप चाहें तो मेरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हैं, बट फिर भी आप चाहें कि अपना जो भी कंटेंट बना रहे हैं तो उसके हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन लिखें। उसके बाद से आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं चैनल URL, तो चैनल URL में आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ आता है लिंक्स, तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अलग अलग लिंक डाल के रखा हूँ। जैसे ये यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट करेगा, ये मेरे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा, ये मेरे फेसबुक पे ले जाएगा, ये लिंक्डइन पे ले जाएगा, ये इंस्टाग्राम पे ले जाएगा। बेसिकली आप देखें तो ये पांच लिंक है। सो आप ऐसे ही सिंपल करके यहाँ पे पांच लिंक आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जैसे कि मैं ऐड लिंक पे क्लिक किया, यहाँ टाइटल आप जो नेम देना चाहते हैं ये नाम दे दीजिए, और यहाँ वो URL आप एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आइकन है ये आइकन अपने आप URL के हिसाब से ये आइकन अपने आप पिक कर लेगा। उसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है लिंक्स ऑन बैनर। तो यहाँ पे जैसे ये बैनर है, तो ये बैनर में आप चाहे तो तीन लिंक दिखा सकते हैं, एक लिंक दिखा सकते हैं, मतलब जितना आपका मन करे उतना लिंक शो करवा सकते हैं। और जो मैक्सिमम नंबर है वो आप बस पांच लिंक तक शो करवा सकते हैं। सो फ्रेंड, उसके बाद से आप चाहे तो यहाँ कॉन्टेक्ट इन्फो दे दें, ताकि अगर कोई किसी को भी कॉन्टेक्ट करना हो तो आपका पर्टिकुलर एक ईमेल एड्रेस पर फॉर्मली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही तरीका है कि आप कैसे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उसके लिए अलग सा एक वीडियो बना दूं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।